हेलो हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि जो कल मैंने पढ़ाया था वो तुम लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे स्टार्ट किया जाए। सुप्रीत और कृतिका, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनिमल किंगडम जो कंटिन्यूअस चल रहा था, नहीं तो आज इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। अब देखा जाए फाइलम कार्डेटा, देखिए कहाँ तक अपन लोगों ने पढ़े थे। फाइलम कार्डेटा से आज हमको बताना है और आशा करते हैं कि आप लोग डाउट क्वेश्चन जरूर पूछोगे, क्योंकि हर चीज अपने को क्लियर करते हुए चलना है। फाइलम कार्डेटा की बात करें, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। अगर कार्डेटा में आता है तो नोटोकार्ड जरूर मिलेगी 100%। और डार्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड, डार्सल टिब्यूलर हालो नर्व कार्ड भी मिलेगी। और क्या मिलता है? पेयर्ड फेरेंजियल गिल क्लिप्स, गैल्सलेट्स, ये 3 करेक्टर परमानेंटली मिलेंगे अगर वो फाइलम कार्डेटा में आता है तो। निश्चित रूप से मिलेंगे ये करेक्टर, ये प्राइमरी करेक्टर होते हैं, तो जरूर तुम्हें याद रखना है ये कार्डेटा के मेन करेक्टर्स होते हैं। दीज आर लेटरली बाईलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। दे प्रोसेस पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये कार्डेटा के करेक्टर्स हैं। प्रेजेंस ऑफ कंपेरिजन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ कार्डेट एंड नॉन कार्डेट, दोनों के साइलेंट फीचर देखिए, यहाँ पर ये पोस्ट एनल टेल दिखाई गई है। दूसरी बात, ये नोटोकार्ड है, ये नर्व कार्ड दिखाई गई है और ये गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो चाहे वो फिशेस हों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब में गिल स्लिट्स मिलते हैं। इसके ये प्रूफ होता है कि अपन लोगों की ओरिजिन जो हुई है ऐसे पूर्वज से हुई है, एंसिस्टर से हुई है जिनमें गिल स्लिट्स पाए जाते थे। कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच डिफरेंस देखिए, डिफरेंस जरूर याद रखना। इसमें नोटोकार्ड मिलती है, इसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल, हालो और सिंगल होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। नेक्स्ट देखा जाए, इसमें फेरेंजियल फेरिंग्स परपोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, हार्ट डार्सल साइड में होता है। इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। ये डिफरेंस किसके बीच में है? कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच में डिफरेंस की हमने चर्चा की। फाइलम कार्डेटा डिवाइड इंटू 3 सब फाइलम, कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम है यूरोकार्डेटा, या इसी का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। नेक्स्ट है सिफेलोकार्डेटा, नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा। तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सब फाइलम, बहुत ध्यान दीजिए, सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकार्डेट। तो इनको किस में रखा गया? प्रोटोकार्डेट में, मतलब यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेट को प्रोटोकार्डेट के अंतर्गत रखा गया है या प्रोटोकार्डेट में रिफर किया गया है।
एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। और प्रोटोकार्डेट कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र के जल में पाए जाते हैं, मैरीन होते हैं। इन क्या दिया गया है? यूरोकार्डेटा। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड केवल लार्वल स्टेज में पाई जाती है, एडल्ट में नहीं पाई जाती है। वाइल इन सेफेलोकार्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। लेकिन सेफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड हेड से लेकर के टेल तक फैली रहती है और जीवन भर पाई जाती है। यूरोकार्डेट के अंतर्गत कौन आता है? एसिडिया आता है, सेल्पा आता है और सेफेलो और डोलियोलम आता है। ये यूरोकार्डेट के मेंबर्स हैं। सेफेलोकार्डेटा में कौन आता है? ये ब्रैंकियोस्टोमा आता है, इसी का दूसरा नाम है एम्पियोक्सस या लैंसलेट आते हैं। तो ये सेफेलोकार्डेट में है। सेफेलोकार्डेट के एग्जांपल आपको ध्यान देना है। आगे देखा जाए क्या कह रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड कब मिलती है? केवल एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलती है, केवल एम्ब्रायनिक पीरियड में मिलती है। नोटोकार्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजनस आर बोनी वर्टिब्रल कैलान। और बाद में क्या होता है? नोटोकार्ड के स्थान पर कार्टिलेज या बोन की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। इन एडल्ट मतलब एडल्ट में नोटोकार्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम बाय कार्टिलेज आर बोन। दस ऑल वर्टिब्रेट्स, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट होते हैं। सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं, बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बिसाइड द बेसिक कार्डेट करेक्टर्स। वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वर्टिब्रेट में क्या होता है? बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। हार्ट टू चैम्बर का भी हो सकता है, थ्री का भी हो सकता है, फोर चैम्बर का भी हो सकता है। किडनी फॉर एक्सट्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडिजेस विच मे बी लिम्स एंड फिन्स। पंख भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन देखा जाए दिया हुआ है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया है, एक है एग्नेथा और दूसरा है जेंथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जाल नहीं पाए जाते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और जेंथोस्टोमेटा में जा पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा का केवल एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, केवल सिर्फ और सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा क्लास से। और जेंथोस्टोमेटा को हम दो सुपर क्लासेस में बांटे हैं, एक सुपर क्लास है पिसीस और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। सुपर क्लास पिसीस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे फिश होते हैं। इसके पहले या इसके बाद में जो हम फिश नाम लेंगे वो फॉल्स फिश होगी। सुपर क्लास पिसीस के अंतर्गत ट्रू फिशेस आती हैं, इनमें फिन्स पाए जाते हैं। इसे दो क्लासों में बांटा गया है, पहला है कॉन्डिक्थीस और दूसरा है ऑस्टिक्थीस। सुपर क्लास टेट्रापोडा में लिम्स पाए जाते हैं, इसे चार क्लासेस में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करने जा रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा बहुत इम्पॉर्टेंट, याद करना चाहिए आपको। आल लिविंग मेंबर्स आर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ मछलियों के ऊपर। ये पॉइंट पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी
बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गेल स्लिट्स, इसमें कितने 6 से 15 जोड़ी गेल स्लिट्स पाए जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए। ये देखिए, साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, इसमें माउथ कैसा होता है, सक करने वाला होता है और सर्कुलर होता है, गोल होता है। विदाउट जा, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, आप देख सकते हो सर्कुलर है, जा नहीं पाए जाते हैं, और माउथ कैसा है, सकिंग टाइप का होता है। क्या है दीस बॉडी, देयर बॉडी इज डेवलप स्केल्स एंड पियर्ड फिन्स पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस, मतलब इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम आर मैरीन, यह समुद्र में पाए जाते हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ये अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, समुद्र से कहाँ आते हैं, नदियों में आते हैं, किसके लिए आते हैं, अंडे देने के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे आर डाई, अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दे आर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशंस, और लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एडल्ट वापस समुद्र के जल में चला जाता है। तो लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है और बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन आता है जिसे लैम्प्रे कहते हैं, मैक्सीन आता है, मैक्सीन को हैग फिश कहते हैं। तो एक फाल्स फिश हमको और देखने को मिल गई। देखिए मछली जैसे आपको दिखते हैं लेकिन मछली है नहीं, ये क्या है, फाल्स फिश है, मतलब मैक्सीन का दूसरा नाम है हैग फिश। तो हैग फिश एक दूसरी हमको फाल्स फिश मिल गई। अगला देखा जाए क्लास कॉन्ड्रिक्थीस, मतलब सुपर क्लास पिसीस को दो क्लासेस में बांटा गया है, एक कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरा आस्ट्रिक्थीस। मैंने बताया था सुपर क्लास पिसीस के अंदर जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे ट्रू फिशेस हैं, सत्य मछलियां हैं। तो अब हम सत्य मछलियों की बात करने जा रहे हैं। दे आर मैरीन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ होती हैं, दे आर मैरीन एनिमल विथ स्ट्रीम लाइन बॉडी हैव कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन, इनका इंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कार्टिलेजनस फिशेस कहते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो होता है वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और नोटोकार्ड जीवन भर पड़ी रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम, गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं और गिल स्लिट्स के ऊपर ढक्कन ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है, ये बात तुम्हें याद रखना होगा। तो ये पूछा जा सकता है किसमें ऑपरकुलम पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें नोटोकार्ड जो होती है पूरे जीवन भर बनी रहती है, और बोन का स्केलेटन नहीं बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए इस क्लास की फिशेस को कार्टिलेजनस फिशेस कहते हैं। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, और इसके बॉडी के ऊपर प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं, यह स्केल्स का एक टाइप है, सल्क का एक टाइप है। तो किस टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स, इसमें इनके दांत जो होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जो जबड़े होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेटर्स प्रीडेशियस, ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, दूसरी मछलियों का शिकार भी करते हैं, तो ये प्रीडेशियस होते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है,
इसलिए इनको हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। अगर जरा सा भी नीचे बैठ गई फिर ये ऊपर नहीं आ पाएंगी और मर जाएंगी। तो ये कॉन्ड्रिक्थीस की जो मछलियाँ हैं आजीवन जीवन भर तैरती रहती हैं, एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है। दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। ये तली पर बैठती नहीं है, अगर बैठ जाएंगी फिर ऊपर नहीं आ पाएंगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए जीवन भर तैरती रहती है। आगे देखा जाए क्या हार्ट इनका मछलियों का, तुमको मैंने बताया कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है और दोनों चैम्बर में इम्प्योर ब्लड भरा होता है, इसीलिए मछलियों के हार्ट को क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। हार्ट में एक आर्टिकल होता है, एक वेंटिकल होता है। एग्जाम्पल देखा जाए एक इलेक्ट्रिक फिश है, यह ट्रू फिश है, इसका दूसरा नाम टारपीडो कहा जाता है। अगर इसको टच करोगे तो यह करंट मार देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। टारपीडो का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फिश क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यह सत्य मछली है, ट्रू फिश है। एंड सम पॉइजनस, जैसे पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, जैसे ट्राइगोन में एक विषैला पॉइजनस कांटा पाया जाता है, अगर ये कांटा मार देगी तो बहुत तेज दर्द होता है, बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड कोई क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल कहते हैं, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, ये बात आपको याद रखना है। दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनमें ये क्षमता नहीं होती है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सकें, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स, मेल में पेल्विक फिन में क्या पाया जाता है, क्लैस्पर्स पाया जाता है, और क्लैस्पर्स क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। क्लैस्पर्स क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। मैंने बार बार बताया है कि अगर उवा का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो एंटीनल फर्टिलाइजेशन है। मैनी ऑफ देम आर वीविपरस, कई मछलियाँ वीविपरस हैं, जैसे स्किलियोडॉन, जैसे डॉग फिश कहा जाता है, ये ट्रू फिश है, सत्य मछली है। क्यों डॉग फिश इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसमें सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे डॉग फिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रेस्टिस, ये ट्रू फिश है, इसका दूसरा नाम है सॉफ्ट फिश, आरा मछली कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कार्केरोडॉन, इसे ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं, ट्रू फिश है। ट्राइगोन है, इसे स्टिंग रे कहते हैं। ये सारी मछलियाँ जो हैं वो सत्य मछलियों के अंतर्गत आती हैं, ये फाल्स मछलियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टिक्थीस, इस क्लास की मछलियों का जो इंडो स्केलेटन बना होता है वो बोन का बना होता है, इसीलिए इस क्लास की मछलियों को बोनी फिशेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोनी फिशेस भी कहते हैं। इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये दोनों समुद्र में और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। विद बोनी इंडो स्केलेटन, इनका इंडो स्केलेटन बोन का बना होता है, इसीलिए इस क्लास की मछलियों को क्या कहते हैं, बोनी फिशेस कहते हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि बॉडी बीच में मोटी और किनारों पर कैसी होती है, पतली होती है, जैसे पानी को आसानी से ये चीड़ सकें तो बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कहाँ पर होता है, टर्मिनल होता है अगले सिरे पर, ये माउथ पाया गया है, टर्मिनल होता है अगले सिरे पर पाया जाता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। दे मे 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें गिल्स का नंबर कितना होता है, 4 जोड़ी होता है। विच आर कवर्ड बाई अपरकुलम, इनके गिल्स अपरकुलम के द्वारा कवर्ड हैं।
कांडिक थीस में मैंने देखा था गिल्स अपर कॉलम के द्वारा कवर्ड नहीं थे ऑन ईस्ट साइड। स्किन इज कवर्ड विथ और स्किन पर कैसे स्केल्स पाए जाते हैं, साइक्लॉइड या टीनोइड प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, ये स्केल्स के टाइप होते हैं। और कांडिक थीस में मैंने देखा था प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर साइक्लॉइड या टीनोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, कांडिक थीस में मैंने देखा था कि एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है। विच रेगुलेट बायोन्सी, जो बायोन्सी को रेगुलेट करता है, मछलियों को डूबने नहीं देता है। हार्ट टू चैम्बर्ड है, एक कार्कल और एक वेंटिकल, और दोनों के अंदर इम्प्योर ब्लड भरा होता है, इसीलिए मछलियों के हार्ट को क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है, और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता है, तब उसे क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। सेक्स आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, और कांडिक थीस में मैंने देखा था फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था, यहाँ पर कैसा है, एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली वीवीपरस ओवीपरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, अधिकांश कैसे होते हैं वीवीपरस ओवीपरस, मतलब अंडे देते हैं, और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे समुद्र में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे एक्जोसिटस, इसे क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, यह सत्य मछली है। हिप्पोकैम्पस, इसे सी हॉर्स कहते हैं, सत्य मछली है, सी हॉर्स समुद्री मछली है, सत्य मछली है। अब फ्रेश वाटर में कौन सी, जैसे लेबियो या इसी का दूसरा नाम रोहू, दूसरा कौन सा है, कटला, तीसरा क्लेरियास, क्लेरियास का दूसरा नाम कौन सा है, मागोर, और एक्यूरियम, जैसे घरों में तुमने देखा है एक्यूरियम बना होता है, एक्यूरियम के अंदर जो मछली पाली जाती है उसे बीटा, बीटा या फाइटिंग फिश से कहते हैं, और पेट्रोफाइलम को क्या कहते हैं, एंगल फिश कहते हैं। ये जितनी भी मछलियाँ हैं ये सारी की सारी ट्रू फिश हैं। मैंने बताया है कि आस्टिक थीस और कांडिक थीस के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे ट्रू फिश हैं। उसके बाद क्लास टेट्रापोडा का पहला क्लास कौन सा है, एम्फीबिया। अब हम बात करने जा रहे हैं, एम्फीबिया की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। एज द नेम इंक्लूड एम्फीबिया, मतलब ड्यूल्स, बायोस मतलब लाइफ, मतलब ये जमीन पर भी रहते हैं और पानी पर भी, पानी में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रहने के लिए एडाप्टेड होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्यूटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, एम्फीबियंस जल में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ये बात तुम्हें याद रखना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, अधिकांश में दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने अधिकांश की बात की है, सबकी बात नहीं की है, टू पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, इनमें नेक नहीं होती है, हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में पूछ पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, और एम्फीबियंस की स्किन नम होती है और उसके ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। मछलियों में हमने देखा था स्केल्स पाए जाते हैं, लेकिन एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। द आई हैव आईलिड्स, आई में पलकें पाई जाती हैं, आईलिड्स पाई जाती हैं। और टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर रिप्रेजेंट करता है, तो टिम्पेनम को क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, ब्लैडर
और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, उस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। कल जब क्वेश्चन में करा रहा था तो इसी पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉग में स्पर्म का पाथ क्या है, करेक्ट पाथ क्या है, तो लास्ट में मैंने बताया था ऑप्शन क्या है, क्लोएका, क्लोएका लास्ट में होगा। तो ये क्वेश्चन सभी का लगभग गलत हुआ था, सभी का लगभग गलत हुआ था। तो इनमें क्लोएका, क्लोएका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लेडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक कॉमन चैम्बर में खुलता है, उस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। तो कल मैंने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था और सभी का गलत हुआ था, ये बात में ध्यान रखना है। विच ओपन टू एक्सटीरियर रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा भी हो सकता है, लंग्स के द्वारा भी हो सकता है और स्किन के द्वारा भी हो सकता है, ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा। द हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है। 2 आर्कल्स होते हैं, मतलब राइट आर्कल और लेफ्ट आर्कल, और वेंट्रिकल केवल एक होता है, तो एक वेंट्रिकल 2 आर्कल 3 चैम्बर का होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता है, चेंज होता रहता है। सेक्स आर सेपरेट, ये भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ये सारी बातें याद रखना है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब ओवा का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। नेक्स्ट देखा जाए, दे आर ओवीपरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये कैसे होते हैं, ओवीपरस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल में लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये सारे के सारे मेंढक हैं। पहला कौन सा, टोट, टोट को क्या कहते हैं, ब्यूफो कहते हैं। ये फ्रॉग है, इसे क्या कहते हैं, राना टिग्रिना, यह इंडियन फ्रॉग कहलाता है, राना टिग्रिना। नेक्स्ट कौन सा है, हाइला, इसे ट्री फ्रॉग कहते हैं क्योंकि पेड़ों के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, सिलामेंड्रा, सिलामेंड्रा ही एक मेंढक ऐसा है जो बच्चों को जन्म देता है, तो सिलामेंड्रा एक मेंढक ऐसा है जो बच्चों को जन्म देता है, ये बात आपको याद रखना है। एक थायोफिस, ये एक मेंढक ऐसा है जिसमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं, हाथ पैर नहीं पाए जाते हैं, तो लिम्बलेस एम्फीबियंस होता है। ये करेक्टर किसके हैं, फाइलम एम्फीबिया के। अब देखा जाए फाइलम एम्फीबिया, उसके बाद में क्लास रेप्टिलिया की बात करें, ये सारे मेंबर्स देखिए क्लास रेप्टिलिया में आते हैं, जैसे कैमिलियन है या क्रोकोडाइल है या कीलोन है या नाजा है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। आगे देखा जाए, आगे हम क्लास रेप्टिलिया की बात करने जा रहे हैं। रेप्टिलिया देखिए क्या करैक्टर्स हैं। द क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग, मतलब होता है रेंगना, क्या होता है रेंगना, इसका मतलब होता है क्राउलिंग, मोड ऑफ लोकोमोशन। दूसरी बात देखा, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, अधिकांश कैसे होते हैं, स्थली होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कार्निफाइड स्किन, और इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई कार्निफाइड स्किन होती है, तो स्किन पर ड्राई कार्निफाइड होती है, और एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट अ ईयर, टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर रिप्रेजेंट करता है।
लिम्स विच प्रेजेंट आर टू पेयर, लिम्स अगर पाए गए हैं तो दो पेयर हैं। हार्ट कितने चैम्बर का होता है, यूजली 3 चैम्बर का होता है बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एलिगेटर में 4 चैम्बर हार्ट पाया गया है, ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है 4 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, तो एलिगेटर, और एलिगेटर में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में पाया जाता है। अगली बात देखा जाए, रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मल, मतलब ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। नेक्स्ट देखा जाए, स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कॉस्ट। अब देखा जाए, सांप और जो लिजर्ड होते हैं समय समय पर अपनी स्किन की बाहरी लेयर को उतारते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दे आर ओवीपरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। ये जनरली कैसे होते हैं, ओवीपरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। अब एग्जांपल देखा जाए, किलोन है, किलोन को क्या कहते हैं, टर्टिल कहते हैं, टेस्टुडो है जिसे टर्टुइस कहते हैं, और कैमिलियन है जैसे थ्री लिजर्ट किलोट्स या गार्डन लिजर्ट्स भी कहते हैं। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, एलिगेटर रेप्टाइल्स के अंतर्गत, हेमीडेक्टाइला वाल लिजर्ट जो घरों में दिखाई देती है छिपकली उसे क्या कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। पॉइजनस स्नेक कौन कौन से हैं, जैसे कोबरा, कोबरा का दूसरा नाम क्या है, नाजा नाजा। नेक्स्ट कौन सा है, बेंगुरस, बेंगुरस कैसा है, ये करैत इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, करैत। और वाइपर एक स्नेक होता है, वाइपेरा को वाइपर कहते हैं, यही एक सांप ऐसा है वाइपर जो बच्चों को जन्म देता है, तो ये सांप कैसा है, विवीपरस है। ये बात आपको याद रखना है कौन सा सांप है विवीपरस। तो मछली में हमने देखा एक मछली है स्किलियोडॉन जो बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद रेप्टाइल्स में मैंने देखा, रेप्टाइल्स में हमने देखा ये तुम्हारा वाइपर स्नेक है वो बच्चों को जन्म दे रहा है। अब क्लास एवीज की बात करें, इसके अंतर्गत कौन आता है, सारी की सारी बर्ड्स आती हैं, सारी की सारी चिड़िया आती हैं इसके अंतर्गत। तो एवीज के बारे में पढ़ें, करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एवीज बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इनका करैक्टर्स होता है, इनकी बॉडी के ऊपर पंख पाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई और अधिकांश उड़ते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं पाता है, फ्लाइटलेस बर्ड है। दे पॉसेस बीक, इनमें एक चोंच पाई जाती है, याद रखना बीक पाई जाती है जो पूछ सकते हैं। द फोर लिम आर मॉडिफाइड इंटू लंग्स, फोर लिम किस में मॉडिफाइड हो गए, लंग्स में मॉडिफाइड हो गए, नहीं फोर लिम्स किस में, विंग्स में मॉडिफाइड हो गए, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, इनके हाइंड लिम्स के ऊपरी सिरे पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि मछलियों में स्केल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हाइंड लिम्स जो होते हैं उनके ऊपरी सिरे पर स्केल्स पाए जाते हैं। एंड आर मॉडी क्या दिया गया है, जो हाइंड फोर लिम्स जो है, अच्छा हाइंड लिम्स जो है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए, द ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए इनके लिए एडाप्टेड हो जाते हैं। स्किन इट ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन इनकी कैसी होती है, सूखी होती है, ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं।
एक्सेप्ट आयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल। टेल के आधार भाग में केवल आयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखना, और कहीं पर भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो आयल ग्लैंड्स टेल के बेस में पाई जाती हैं। एंडो स्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। एंडो स्केलेटन किसका बना होता है? बोन का बना होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो। लॉन्ग बोन्स का से खोखली है और उसमें एयर भरी रहती है। तो अगर लॉन्ग बोन खोखली है और उसमें एयर भरी रहती है तो ऐसी बोन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन कहते हैं। तो न्यूमेटिक बोन केवल बर्ड्स में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? बॉडी का वेट कम हो जाता है और बर्ड्स आसानी से फ्लाई करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्स ऑफ बर्ड्स हैज। बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में एक एडिशनल चैम्बर कॉर्प और गिजार्ड पाया जाता है। तो क्रॉप और गिजार्ड अपन लोगों में नहीं मिलता है लेकिन बर्ड्स में पाया जाता है। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, जैसे राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी अप डाउन नहीं होता है। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रख सकती हैं। रिस्पायरेशन इज बाय किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। तो रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग, और एयर सैक जो होते हैं लंग से कनेक्टेड होते हैं, सप्लीमेंट रिस्पायरेशन। सेक्स आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल बर्ड्स अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये बात याद रखना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ बॉडी। दे आर ओवीपरस, जितनी भी बर्ड्स हैं सारी बर्ड्स अंडे देती हैं, एक भी बर्ड्स आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो बच्चों को जन्म दे रही हो। सारी की सारी बर्ड्स क्या काम करती हैं? अंडे देती हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब इनके डेवलपमेंट में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। एग्जांपल देखा जाए कार्वस, कार्वस का मतलब क्रो, क्रो का हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कोलंबा, कोलंबा को क्या कहते हैं? पिजन कहते हैं, कबूतर कहते हैं। और नेक्स्ट पैरेट, पैरेट का ही दूसरा नाम क्या है? पेस्टुलेका, पेस्टुलका। तो ये पैरेट है। नेक्स्ट कौन सा है? स्टीर्थियो, स्टीर्थियो है। और पीकॉक जो है भारत का एक नेशनल बर्ड है। पीकॉक मतलब जो मोर होता है वो भारत का एक नेशनल एनिमल्स है। तो याद रखना नेशनल एनिमल्स कौन सा है। उसके बाद क्लास मैमिलिया की हम बात करें तो क्लास मैमिलिया में देखिए क्या होता है। क्लास मैमिलिया, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ये क्या है? पोलर आइस कैप में भी पाए जाते हैं, डिजर्ट माउंटेन्स पर भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, ग्रासलैंड में भी मिलते हैं, डार्क केव बनाते हैं, मतलब इनकी गुफाएं जो होती हैं डार्क होती हैं। सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई आर लिव इन वाटर। कुछ जो रहते हैं उड़ते भी हैं, फ्लाई करते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं। और मोस्ट यूनिक मैमिलियन करेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिन्हें क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो मैमरी ग्लैंड्स केवल क्लास मैमिलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। बॉडी पर हेयर्स जो पाए जाते हैं वो भी मैमिलिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। अब देखा जाए बाय विच द यंग वंस नरिश्ड, और मैमरी ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? बच्चों को दूध पिलाती हैं। दे आर टू पेयर लिम्स, लिम्स जो होती हैं दो जोड़ी होती हैं, एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, जिनके द्वारा वो घूमते हैं, दौड़ते हैं। और क्लाइंबिंग मतलब पेड़ों से लिपट लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं,
बेल बना करके भी रहते हैं, स्विमिंग तैरते भी हैं, फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। अब कौन सा मैमल्स उड़ता है तो आपको मालूम होना चाहिए, बैट चमगादड़ जो है वो उड़ता है, इसीलिए चमगादड़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उड़न लोमड़ी कहते हैं। उड़न लोमड़ी भी चमगादड़ को कहा जाता है, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। द स्किन ऑफ, इसके स्किन की बात करिए तो स्किन पर इसके, अगर जो अपन स्किन की बात करें तो मैमल्स इज यूनिक प्रोसेस हेयर, तो इसकी मैमल्स की स्किन के ऊपर बाल पाए जाते हैं और किसी में भी बाल नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना पाया जाता है। आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जार, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, तो ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, 2 आर्कल होते हैं और 2 वेंटिकल होते हैं। दे आर होमियोथर्मस, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। और सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, मतलब ओवा का फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर विविपरस, ये बच्चों को जन्म देते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, ये कौन से ओवीपरस, जैसे आर्निथो राइनिकस, इसी को क्या कहते हैं, प्लेटिपस, ये अंडे देता है और अंडों से जब बच्चे बनते हैं तो उनको दूध पिलाता है, तो ये कैसे हैं, ओवीपरस मैमल्स हैं, याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ओवीपरस मैमल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, विविपरस, ये बच्चों को जन्म देता है। विविपरस के अंतर्गत जैसे कंगारू आ जाता है, मैक्रोपस। दूसरा एग्जांपल टीरोपस, टीरोपस इसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, और फ्लाइंग फॉक्स मतलब बैट है। नेस्ट कैमल और कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक बात में बताएं, जितने भी मैमल्स हैं, किसी भी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केवल कैमल और लामा को छोड़कर। कैमल और लामा दो मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, मेकाका, मेकाका क्या कहते हैं, मंकी कहते हैं। रेटस मतलब रेट, और कैनिस मतलब डॉग, फिलीस मतलब कैट, एलेफस मतलब एलिफेंट, एक्वस मतलब हार्स, डॉल्फिन मतलब कामन डॉल्फिन, और ब्लेनोपिटेरा का मतलब ब्लू व्हेल, और पेंथेरा टाइग्रिस का मतलब टाइगर, और पेंथेरा लियो का मतलब लायन। तो ये सारी किस्में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, या डॉल्फिन क्या होती है, मैमल्स होती है, व्हेल क्या होती है, मैमल्स होती है, और व्हेल जो है संसार का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, बट एक्यूटिक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट टेस्टिशियल एनिमल्स कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, लार्जेस्ट टेस्टिशियल एनिमल्स है, और बैट जो है एक मैमल्स है जो उड़ता है, बाकी और कोई भी मैमल्स उड़ नहीं पाते हैं। और मैक्रोपस जैसे कंगारू कहते हैं, ये मेटाथीरियन मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन मैमल्स सेल्फ और सेल्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ये बातें तुम्हें याद रखना है। और डॉल्फिन जो होती है वो नेशनल एक्यूटिक एनिमल है भारत की, नेशनल एक्यूटिक एनिमल भारत की है। तो ये एक चार्ट बना है पूरे एनिमल किंगडम का, इसको जरा पढ़ के देखिए, और जितना मैंने पढ़ाया वो पढ़ के देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए।
जरूर पूछिए और ये जरा समरी भी पढ़ के देखिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ना है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हुआ है। तो 10 मिनट तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं, 10-15 मिनट में आप पढ़िए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप क्वेश्चन पूछिए, हम तुम्हारे सामने हैं। कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो निश्चिंत होकर के पूछिए वो क्वेश्चन। Thank you.